नमो राघ भाई, नमो राघ भाई, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये हमारा 12वें अध्याय का माध्यम है, महात्म पूर्ण फल कथा सुनने से क्या हमको मिलता है उसी को हम महत्व कहते हैं। माध्यम कह लो, महत्व कह लो, यही है इसका सार। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वाचा, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का माध्यम सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। इसके नगर में एक उतंग नामक लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीत थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाकर मदरा पान किया करते, मांस खाते, भोग भोगते। जो कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो तो कहते हम यहाँ पर वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं, झूठ कहते थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी जी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, वर मांगो, जो मांगोगे सो दूंगी। फिर उसने धन संतान का सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, आवश्यक ही मैं तुझे धन संतान सुख देती हूँ, अवश्य मैं तुझे धन संतान सुख देती हूँ, पर एक बात का, पहले ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार हो। गए तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुजी, मैंने देवी की स्तुति करी थी, सो प्रसन्न हुई, धन संतान दी है, यह पर पहले इन दोनों का उद्धार हो गए। तब गुरु ने कहा, हे ब्राह्मण, चल नारायण जी से पूछे। तब दोनों ने नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या इच्छा है? उसने पिछले बात कही, देवी की भक्ति करी थी, वह प्रसन्न हुई, कहा धन संतान देती हूँ, आप कृपा करो, कहो कि उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है। तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ, तब दोनों का उद्धार होगा। फिर उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति करी, भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति करी, जिससे देवी प्रसन्न हुई। उनसे कहा, हे देवी जी, नारायण ने यह आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार हो। तब दोनों गणकार लंपट को बैठा गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देव देही पाई और बैकुंठ को गए दोनों के दोनों। यह देख देवी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से बोली, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णव देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए, मैंने इस नगरी का राज तुमको दिया। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हुई। ब्राह्मण घर गया, राजा ने संतान न थी, अतः उन पंडित जी को बुलाकर राज्य देकर आप तप करने को वन में विरक्त होकर चला गया। अब ब्राह्मण राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता के 12वें अध्याय का माध्यम है, जो मैंने कहा तुमने श्रवण तुमने सुना है। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम 12वां अध्याय संपूर्णम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह 12वें अध्याय का माध्यम है, जो आपने सभी ने श्रवण किया और हमने भी किया। भगवान जन जन का कल्याण करे, सबका भला करे, सबका उद्धार करे, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी होशियावर रामचंद्र की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीता।